शिशुपाल वासुदेव जी की बहन तथा छेदी के महाराज दंभोष का पुत्र था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण का भाई था। महाभारत काल में जब कुरुकुल में कौरवों और पांडवों के बीच महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो इस शुभ प्रसंग के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी संबंधियों, रिश्तेदारों सहित अनेक राजाओं एवं अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को आमंत्रित किया गया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह कौरवों एवं पांडवों का भी भाई था। इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी रुक्मणी के साथ विवाह करना। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मणी से विवाह किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया था। विवाह के सारे आयोजन हो चुके थे, परंतु राजकुमारी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, और राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी को महल से भगा कर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के समय युवराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम भेंट आदि प्रदान की और सम्मानित किया। तब शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान देखा न गया और क्रोध से भरा बैठा शिशुपाल बोल उठा कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अन्य सम्मानीय जन उपस्थित हैं। और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, उनका अपमान किए जा रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी बुआ एवं शिशुपाल की माता को दिए वचन के कारण बंधे थे, अतः वे अपमान सह रहे थे। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। मित्रों, हमें इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति और बड़ों की बात को आदर पूर्वक पूर्ण करने की शिक्षा मिलती है। आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।